1.4 का सवाल नंबर 7 को सोल्यूशन करना है। सवाल कह रहा है कि 129 बटा 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5। तो प्रश्न के अनुसार से चलते हैं जब प्रश्न के अनुसार से चलते हैं तो 129 बटा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5। अतः परिमेय का परिमेय का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है क्योंकि इसका हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। आठ, सवाल नंबर 8 में दिया गया 6/15 ठीक है। सवाल नंबर 1 का 8वां नंबर दिया गया है 6/15। प्रश्न के अनुसार का यदि खंड करते हैं काटते हैं तो 3 से भाग लग जाता है। 3 × 6 = 15 तो हमें 2/5 प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये हो गया 2/5 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 0। अतः परिमेय का दशमलव प्रचार शांत है क्योंकि इसका हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है। तो 9वां सवाल में चलते हैं 35/50 है। 35/50 है। प्रश्नानुसार पैतीस बटा 50 इसमें 5 से भाग देते हैं
पांच सत पैतीस पांच दही पचास, तो हमारा सात बट दस आ गया। तो सात बट दो गुनी पांच, अतः परिमेय का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसका हर 2n गुना 5n के रूप में है। अब 1.4 का 1 का 10 नंबर सवाल दिया गया है 77/210 सवाल नंबर 10। सतहत्तर बट 210 को 7 से भाग देते हैं तो 11 में, उसके बाद जो है कि 30 में इधर होता है, तो 11/30 हो गया। 30 का खंड करते हैं तो 2 × 3 × 5 ये हमारा प्राप्त होता है। आता है परिमेय का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, क्योंकि इसका हर 2n गुना 5n के रूप में नहीं है। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी कि ऊपर के जो प्रश्न में 1 में जितना भी परिमेय संख्या दिया गया है उसमें से कह रहा है उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो 1 नंबर में जो प्रश्न में परिमेय संख्या शांत था उसके लिए दिया गया है मैं उनमें से कुछ सवालों को लिख रहा हूं। (13/31, 17/8, 15/1600, 23/2 × 3 गुना 5/2, 6/15, उसके बाद
35/200, 35/50। ये सभी परिमेय संख्या जो है जिसका दशमलव पर चार शांत है। तो ऊपर कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव पर चारों को लिखिए जो शांत है, यानी कि इन सभी का शांत वाला प्रवृत्ति बताना है। तो इसमें से प्रत्येक सवाल के लिए शांत प्रवृत्ति को दिखाना है। तो जो है सवाल में से क्या करा, प्रचारों को लिखिए, यानी कि उसके प्रचार को क्या करना है, लिखना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट 13/31/25। तो 13/5×5×5×5×5। दूसरा नंबर के लिए 17/8। तो 17/2×2×2। (13/5/5×2^0). 17/2/3×5^0। उसके बाद स्टेप नंबर 3 (15/1600). तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 10 = 10। 3/320, 3/320 का जो है खंड करेंगे 2 × 16 = 32, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 8, 2 × 20 = 40, 3/2×2×2×2×2×5। तो हमें 3/2×6×5^1। स्टेप नंबर 4 (23/2×5^2). स्टेप नंबर 5 (6/15). तो 2 × 3 = 6, 3×5 = 15। तो 2/5 लिए 2/5×1×2^0। स्टेप नंबर 6 (35/50). इसको कटा देते हैं, 5 × 35 = 5, 10 = 10। 7/10, 10 का अखंड करते हैं 7/2×5। तीन नंबर सवाल कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव पर चार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। प्रश्न कह रहा जो सवाल दिया गया है, यदि उनका दशमलव पर चार शांत है तो P/Q के रूप की है,
तो अभाज्य गुणनखंड इसको खंडित करके बताना है कि क्या है। तो तीन का एक नंबर दिया गया है 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह संख्या अंत में जा करके इंड हो गया है। तो प्रश्न के अनुसार फोर 33.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका यदि दशमलव खत्म करते हैं तो 1 से लेकर के 9 तक की संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें प्राप्त हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब क्या करना है इतना का खंड करना। इसको क्या करना है खंड करना, यानी कि काटते जाना काटते जाना काटते जाना। तब तक काटते रहेंगे जब तक वह उसका अभाज्य संख्या हमें प्राप्त न हो जाए। तो चलिए भाग देते हैं 1 0 0 0 0 0 0 0 0। तो 2 से भाग देते जाते हैं पूरा बोर्ड भर जाते हैं, 5 से एग्जैक्टली दे देते हैं। चलिए 5 5 2 10 एक फिर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 2 से दे देते हैं 2 8 16 फिर 5 2 6 5 6 2 6 5 6 2 6 5 6 2 6 5 6 2 6 2 6 अब जो है
इस बार काउंटिंग कीजिए। फोर थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो एक दो, पहले दो बना ले लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, दो पर पावर नौ गुने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। तो हिसाब में कह रहा था कि क्यों के बाद गुणन खंडों के बारे में आप कह सकते हैं। तो यह तो परिमेय संख्या में प्राप्त हो गया, तो परिमेय संख्या प्राप्त हो गया तो अभाज्य गुणन खंडों के बारे में हम कह सकते हैं कि इनको अभाज्य गुणन खंड जो है परिमेय संख्या के रूप में है। अतः परिमेय का हर टू पर पावर एम गुना फाइव पर पावर एन के रूप में है। दूसरा नंबर सवाल है कि 0.1201200 1 2 फिर 000 1 2 फिर 4 0 कहा जाता है। जब कोई संख्या बार बार पुनरावृत्ति होती है, जब कोई संख्या बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या वह परिमेय संख्या कहलाती है। जीरो पॉइंट वन टू जीरो वन टू डबल जीरो वन टू ट्रिपल जीरो वन टू फोर जीरो डॉट डॉट डॉट। जब कोई संख्या बार बार पुनरावृत्ति की जाती है तो वह संख्या जो है वह परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। तो अतः दिया गया दिया गया संख्या व परिमेय संख्या है। इसलिए इसे प्रीवैक्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तीन नंबर सवाल कह रहा है, तीन का तीन दिया गया है कि फोर थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन।
और ये आपका बाउंड्री है। जब रेखीय संख्या दी जाती है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, जिनका कभी अंत ही नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका हर जो है प्रश्न के अनुसार से चलते हैं। फोर थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये दिया गया है। तो जो है आता दिए गए संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड दो तथा पांच से भी अधिक है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है।